मध्य प्रदेश के भिंड में एक फेरी वाले ने एक 8 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार किया और बलात्कार करके बच्ची को 20 रुपए का नोट थमाकर उसके सामने अच्छे अंकल बनने की एक्टिंग की ताकि बच्ची को कभी समझ ही ना सके कि आखिर उसके साथ कितनी बड़ी दरिंदगी कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ये फेरी वाला एक 8 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और वहां घंटों तक उसका रेप किया और बच्ची का ब्रेन वॉश करने के लिए उसको 20 रुपए का नोट थमा दिया, जिसके बाद बच्ची घर पहुंची तो माँ को कुछ अटपटा लगा। पूछने पर बच्ची ने 20 रुपए की नोट के साथ फेरी वाले की कहानी बताई, जिसके बाद माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस कंप्लेंट करने पर फेरी वाले को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन जो हैवानियत, जो दरिंदगी और बर्बरता उस मासूम सी बच्ची के साथ की गई, जिसकी उसे अभी तक भनक भी नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, क्या उसे ठीक किया जा सकता है, या आखिर इस देश के लोगों को क्या हो गया है, ऐसी क्या मानसिकता लोगों की हो गई है कि वो बड़े और बच्चों में फर्क करना भूल गए हैं। हवस हैवानियत इस कदर सवार है कि 8 साल तो छोड़िए, कुछ भेड़िए जैसे लोग 8 महीने की बच्ची का भी बलात्कार करने से नहीं चूक रहे हैं। वैसे तो कुछ लोग लड़कियों के साथ हुई दरिंदगी का कारण उनके छोटे कपड़ों को बता देते हैं, लेकिन साहब आप ही बताइए कि 8 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाई जाए। ये फर्क कपड़ों का नहीं है, सिर्फ सोच का है, अच्छी बुरी मानसिकता का है। आप भी सोच कर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।